श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 36वें नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। तो श्लोक के जो शब्दार्थ है इस प्रकार से हैं, नतः अस्मि अहम् तत् चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्ति अयनं सुमंगलं यः हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात यथा नभः स्वअन्तं अथ अपरे कुतः। न तो सम्यहं तच्चरणं समीयुषां। ततो सम्यहं तच्चरणं समीयुषम्। भवाच्छिदं स्वास्त्ययनं सुमंगलम्। भवाच्छिदं स्वास्थ्यपयं सुमङ्गलम्। यो ह्यात्ममाया विभवं स्वपार्ययगात्। युहात्ममाया विभवं स्वपर्यगात्। यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। न तोऽस्म्यहं च तच्चरणं समीयुषाम्। न तो स्वहं तच्चरणं समीयुषाम्। भवाच्छिदं स्वास्त्यनयं सुमंगलम्। भवच्छिदं स्वास्थ्ययनं सुमङ्गलम्। यो ह्यात्ममाया विभवं स्वपर्यगात्। युहात्ममाया विभवं स्वपर्यगात्। यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। कोई बोलेगा बुजी? हाँ बोलेंगे ना। न तो सोम तत्चरणं समीयुषाम् नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषाम्। भवच्छिदं स्वास्त्ययनं सुमङ्गलम्। भवाच्छिदं स्वास्त्ययनं सुमंगलम्। योहात्ममाया विभवं स्मपर्यगात्। योऽयात्ममाया विभवं स्वपर्यगाद्। यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। पढ़ लो आप। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिधाम स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नतः नमस्कार करता हूँ। अस्मि हूँ। अहम मैं तत् उस भगवान के चरणम चरणों पर समीयुषाम शरणागत का भवच्छिदम जन्म मरण के चक्र को रोकने वाला स्वस्ति अयनम समस्त सुख की अनुभूति सुमंगलम शुभ कल्याण प्रद यह जो ही निश्चय ही आत्ममाया व्यक्तिगत शक्ति विभवम शक्ति स्म निश्चय ही पर्यगाद अनुमान नहीं लगा जा सकता। यथा जिस तरह नभः आकाश स्वअंतम अपनी सीमा अथ अतेव अपरे अन्य कुतः किस तरह। अनुवाद। अतः मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम है असक्षम है, रहते हैं अक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तात्पर्य
जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी, हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नवयुवक अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है, अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है। किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता हैं। वे उस मनु के पिता हैं जो सारे ब्रह्मांडों के मनुष्य के पिता हैं। अतएव इस शूद्र लोक के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों की नाप जोख न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। उनकी शक्तियां असीम हैं, जैसे कि वेदों में द्वारा पुष्टि होती है, परास्य शक्तिर विविधे वश्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, श्वेतश्वतर उपनिषद 6.8। वे सबों से बड़े हैं और अन्य लोग, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो अल्पज्ञ हैं वे ही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है, वे छोटे से ब्रह्मांड के शुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथा कथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसके ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे, यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे तो। यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा तो जैसा जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं रहेगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास बाद ही वो स्वयं मर गया। अतएव मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बार बार बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गवाएं। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है, और श्रीमद् भागवत में समस्त जीवों के परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। जो व्यक्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है, और इस तरह वह संपन्न समस्त वैध शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपने स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है। उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मोह माया अर्थात मेरी माया, भगवद गीता 7.14 में, तथा मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतएव प्रकृति भी भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने भगवद गीता में कहा है, माया मया अध्यक्षिणा प्रकृति सूयते से चराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य कर रही है, और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील हैं। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ पराशक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करें, चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु
प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुखी दुख उठाता है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही भवच्छिद्धम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्यंतनम समस्त सुख की अनुभूति तथा सुमंगलम समस्त कल्याण का स्रोत है। अतएव भगवान को आत्मसमर्पण करने की स्वतंत्रता सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्र पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इसकी तुलना आकाश से भी की गई है। यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर हैं, हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बृहत्तर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप पाते। अन्यों की क्या बात करें। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतएव वे इस दिशा में अपूर्ण है। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अधिक अभिन्न भी है। अतएव भगवान से प्राप्त होने वाला सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब भगवान इसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह कभी रुकती नहीं है और अनंत रूप में चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदम बुद्धिवर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने चेतन चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में भगवान कृष्ण की हलादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इसका आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। हरे कृष्णा। स्क्रीन हटा दो ब्रो। हाँ ब्रो जी। स्टॉप। तो सबका स्वागत है आज के क्लास में। तो आज का जो श्लोक है ये सारे शास्त्रों का जो सार है ब्रह्मा जी में बता रहे हैं। इस प्रकार से हम जैसे पिछले अध्यायों में सुनते आ रहे हैं कि जो नारद जी थे वो ब्रह्मा जी से जाकर के प्रश्न करते हैं कि मुझे तो आप ही सर्वे सर्वा लग रहे हैं, क्योंकि मैंने तो सुना है कि आप ही सृष्टि करता है, आप ही संहार करता है, आप ही पालन करता है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि नहीं, मैं संहार करता सृष्टि करता मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। और वो अधिकारियों का वर्णन करते करते भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं, और फिर आगे के अध्यायों में बताते हैं किस प्रकार से भगवान का जो ब्रह्मांड है ये भगवान का पुरुष अवतार है ना, विराट स्वरूप। इस प्रकार से हमने कुछ पिछले श्लोकों में चर्चा करते आ रहे हैं किस प्रकार से भगवान का विराट स्वरूप है, और आज के श्लोक में, आज के कुछ पिछले श्लोकों में ब्रह्मा जी कंक्लूजन बता रहे हैं। बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान के चरण कमल हर एक व्यक्ति को अभय प्रदान कर सकते हैं, है ना, अभय चरण अरविंद। भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके व्यक्ति अभय बन सकता है। जिस प्रकार पिछले एक श्लोक में जब भगवान के शरीर के अंगों का ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे थे, बस 19वें या 20वें नंबर के श्लोक में आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमल हैं वो जीवात्माओं को अभय प्रदान करते हैं, है ना। जैसे भगवान के जो भुजाएं हैं उनमें से जो बड़े बड़े जो मुख्य देवता वो प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो चरण कमल हैं वो उनके शुद्ध भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, है ना। तो आज हम आज के जो श्लोक में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर प्रपट दिया उसको लेकर के थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी ने भगवान के चरण कमलों को शरण ग्रहण करना कितना आवश्यक है उसके विषय में बताया, है ना। हम लोग कई सालों से, कई महीनों से, कई जन्म से सुनते आ रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन बहुत कठिन कार्य है वास्तव में, है ना। भगवान की शरण ग्रहण करना, जिस व्यक्ति को हमने प्रैक्टिकली देखा भी नहीं है, सुना तो है
जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में हमने सुना है लेकिन उसके विषय में उसको देखा नहीं है तो उतना विश्वास नहीं होगा, है ना। उसी प्रकार भगवान के विषय में हमने बहुत सुना है, भगवान इतने महान है, भगवान सृष्टिकर्ता है, भगवान ये है वो है, लेकिन उनकी शरणागत हो जाना थोड़ा डाउटफुल होता है ना, थोड़ा अंदर हिचकिचाहट आ जाती है कभी कभी, थोड़ी हिचकिचाहट आ जाती है कभी कभी। लेकिन शास्त्रों में भगवान के शरण ग्रहण करने की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। जैसे हम सुनते हैं कथा, जैसे एक पंडरपुर में एक ग्वालिन थी, उसने सुना कि भगवान के जो चरण है वो मक्खन के समान एकदम कोमल है, नवनीत, नवनीत कहते हैं ना, भगवान के चरण मक्खन के समान एकदम कोमल है। तो उसने सोचा कि ऐसा सब बोलते हैं, चलो मैं भी देख के आऊंगी भगवान के चरण कितने कोमल है ना। तो फिर वो जाती है दर्शन करने के लिए, और लंबी लाइन लगी रहती है पंडरपुर में दर्शन के लिए। तो लाइन लगा करके जब अंदर जाती है तो वहाँ के क्या पुजारी लोग भगवान को स्पर्श करने का भी मौका देते हैं। तो जब वो ग्वालिन को आगे छोड़ा तो उसके अंदर जो इच्छा थी भगवान के चरण कमलों को छू के, मक्खन जैसा वो जो मक्खन के समान जो भगवान के चरण है उसको एक्सपीरियंस करना, तो उसने क्या किया, ग्वालिन ने वो चरणों में अपनी उंगली, मतलब पहली उंगली जो थी उसने अंदर दबा दी। तो क्या हुआ, उसका जो उंगली था वो अंदर धस गया। तो आश्चर्य हो गए और बहुत मतलब खुश हो गए, और उधर एकदम बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गए कि भगवान के चरण सच में नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल है, कमल के समान, भगवान के चरणों को कमल के समान का तुलना किया गया है। फिर बाद में अभी आप पंडरपुर जाएंगे तो जो उंगली का जो निशान है अभी भी है भगवान के चरणों में। तो अभी जो चरण कमल भगवान के अभी भी उसमें निशान है। तो शास्त्रों में 10वें स्कंद में भी इसका वर्णन आया है, कहते समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स परम पदम परम पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। जो योगी जन होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस संसार में रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि संसार में इतना दुख है, दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति। भगवान कहते हैं कि इस संसार में दुख दुख ही दुख भरा हुआ है ना। और भगवान के भक्त जो होते हैं, क्योंकि शरीर की जो डुअलिटीज हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये डुअलिटीज से इतना तंग आ जाते हैं कि वो संसार में रहना नहीं चाहते। इसके लिए संसार से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, है ना। और भगवान की शरण ग्रहण करके ये जो भव सागर है वो किस प्रकार से हो जाता है, एक छोटा सा जो बछड़ा होता है जब गीली मिट्टी में चलता है तो किस प्रकार से उसमें छिद्र बन जाते हैं, जब छिद्र बन के उसमें बारिश की वजह से पानी भर जाता है तो कितना छोटा सा होल रहता है, वो होल जितना ही संसार बन जाता है। और हम तो बिना देखे बिना सोचे उसको पार कर जाएंगे। तो जो भक्त होते हैं भगवान की शरण ग्रहण करने से इतना तुरंत कुछ क्षणों में कुछ ही जीवनों में ये भव सागर को पार करके उनके लोक में चले जाते हैं। बहुत आसान तरीका बताया गया है कि केवल भगवान की शरण ग्रहण करना है। और शरण ग्रहण करना कैसे शुरू होता है, कौन सा प्रोसेस है उसको शुरू, शरण ग्रहण करने का प्रोसेस क्या है, तो 6 शरणागति के लक्षण के विषय में बताते हैं रूप गोस्वामी। उसमें सबसे पहला क्या है, अनुकूल्य संकल्पम प्रतिकूल्य वर्जनम। ये जो अनुकूल्य से संकल्पम और प्रतिकूल से जो वर्जनम, ये जो प्रोसेस है, इसको व्यक्ति जब अपने जीवन में अपना लेता है तो उसी क्षण से वो भगवान के शरणागत होने के प्रक्रिया में आगे बढ़ना शुरू कर देता है ना। जिस दिन से हम ये सोच लेते हैं कि भक्ति में जो अनुकूल है मैं उसको स्वीकार करूंगा और जो प्रतिकूल है उसको वर्जित कर दूंगा, तो उसी क्षण से, उसी दिन से हमारी भगवान के प्रति शरणागति का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है ना। फिर आगे जाके धीरे 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 जो आगे जो लक्षण बताए गए हैं वो धीरे धीरे लक्षण प्रकट होने लगते हैं, है ना। इसी प्रकार से भगवान के भक्त लोग जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं ना तो अभय हो जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं है, है ना। इसके लिए प्रभुपाद जी के विषय में हम सुनते हैं कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से अकेले 70 साल की आयु में वो चले जाते हैं विदेश में, जहाँ पे उनका कोई पहचान का नहीं होता है। वो एयरपोर्ट जब वो पोर्ट पे उतरते हैं, सी पोर्ट पे, तो उनको पता भी नहीं होता कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है, लेकिन उनको इस चीज़ का भय नहीं था कि मेरा क्या होगा, उनको केवल इस चीज़ का भय था कि मेरा जीवन शेष जो बचा है क्या मैं उसके अंदर मेरे गुरु की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा, ये उनका डर था। क्योंकि उन्होंने भगवान के शरण को, भगवान के चरणों को इतना तीव्र गति से पकड़ के रखा था कि उनको चांस ही नहीं था कि वो ये सारे जो भौतिक परिस्थितियां हैं इसे विचलित हो जाए।
लेकिन अभी हम इस जो श्लोक के सीरीज हैं इसमें सुनेंगे। तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी और शिव जी जैसे बड़े बड़े महान जो देवता हैं वही भगवान को समझ नहीं पाते। तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या, वो श्लोक थोड़ा दिखा देता हूँ। हाँ आप जब चाहे तब कर सकते हो, कोई दिक्कत। इसके जो पहले नंबर जो इसके ऊपर जो 35 नंबर श्लोक था उसमें ब्रह्मा जी वो सुंदर कहते हैं, देखिए। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की हैं तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों में महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है, है ना। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि मैं भी भगवान को समझ नहीं पाता, भले ही लोग मुझे क्या बड़े बड़ा सबसे बड़ा देवता माने, सृष्टिकर्ता माने, कुछ भी मान ले, लेकिन मेरे अंदर भी वो क्वालिटीज नहीं है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को समझ सकूं। अभी इस चीज को समझने के लिए हम इसको दो क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले उस क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे जिसमें भगवान के भक्त लोग भगवान को नहीं समझ पाए, और एक ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसमें भगवान के भक्त नहीं है, असुर लोग हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनके ऊपर कृपा करके उनको एक उच्च स्थिति प्रदान कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, जो भगवान के भक्त हैं लेकिन उनको समझ नहीं पाए, ठीक है। अभी इसमें सबसे पहला नंबर ब्रह्मा जी का ही आता है कि उन्होंने भगवान को समझ नहीं पाए और इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, है ना। कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका पुष्टि कहाँ होता है, 10वें स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला में। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि अघासुर नामक इतना बड़ा राक्षस जिसको बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं मार पा रहे थे, उसको एक छोटा सा बालक जो वृंदावन नाम के गांव में रहता है जिसका पिता एक ग्वाला है, वो छोटा बालक एक अघासुर नामक बड़े से राक्षस को मार गिराता है, तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अटपटा लगता है। तो वहां के जो सेवक थे उनके वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव इस प्रकार से घटना घट रही है पृथ्वी में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि असंभव, अगर विष्णु ही अवतार लेकर आए हैं तो मुझे कैसे नहीं पता है, मुझे तो पूरा शेड्यूल मालूम है कि भगवान विष्णु कब कब अवतार लेने वाले हैं, पर ये तो मेरे शेड्यूल में है नहीं। मैंने जो शेड्यूल भगवान का शेड्यूल जो मुझे मिला है, इस शेड्यूल में तो भगवान का नाम नहीं है कि वृंदावन नाम एक छोटे से गाँव में भगवान आके लीलाएं करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर वो खुद जाते हैं, जब जाकर के देखते हो जो भगवान उस समय भोजन कर रहे होते अपने मित्रों के साथ, तो कोई मित्र बोलता है अरे भगवान, अरे कृष्ण देखो मैं मेरी मैया ने ये समोसे दिए हैं, और वो क्या करता है समोसा खुद खाता है, फिर बाद में किसको देता है, ग्वाले को देता है, सॉरी कृष्ण को देता है, भगवान को देता है, और भगवान उसको खा के खूब आनंद देते हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है। तो इसको देख करके ब्रह्मा जी का सिर घूम जाता है, चारों सिर घूम जाते हैं उनके, बोलते हैं यार ये कैसे हो सकता है, भगवान किसी का जूठा क्यों खाएंगे, वो भगवान है, सृष्टि संहार पालन सब वो करते हैं, वो किस प्रकार से किसी ग्वाले का जो तुच्छ ग्वाले हैं उनके जूठन कैसे खाएंगे। फिर इसके बाद और चीज देखते हैं तो और सिर घूम जाते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति जो है छाछ पी रहा था, अब छाछ पी लेता है और वो सोचता है कि मैं छाछ पी के भगवान को दूंगा, कृष्ण को दूंगा, जब वो पीता है तो छाछ खट्टी हो गई होती है, तो अरे ये भगवान को कैसे ऑफर करूं, तो खट्टी हो गई, तो भगवान सोचते हैं अरे अकेले अकेले क्या छाछ क्या पी रहा है, तो जो ग्वाला था वो छाछ पी करके उसका मुंह तो फूला हुआ था, तो भगवान ने क्या किया उसे गाल पे ही मार दिया, और जो छाछ निकला भगवान ने उसको अपने मुंह में डायरेक्ट ले लिया। अब तो ब्रह्मा जी कंफर्म हो गए कि ये भगवान हो ही नहीं सकता है, ये जो बालक है ये भगवान कतई नहीं हो सकता है, कि भगवान इतनी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकते। भगवान जो है सबसे प्योर है, जब तो कोई व्यक्ति अनर्थों से मुक्त नहीं हो सकता वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, तो किस प्रकार से भगवान अगर अनर्थों से मुक्त व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते, तो ये ग्वाले का झूठा छाछ कैसे पी रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते नहीं भाई, अगर ये विष्णु है तो मैं इसका टेस्ट लूंगा। तो क्या करते ब्रह्मा जी, सारे ग्वाल बालों को गपछड़ों को चुरा के अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, है? भगवान आके देखते हैं सब गायब है, तो भगवान समझ जाते हैं, फिर अपने ही शरीर से अंश को अपने ही अंश से सारे ग्वालों को प्रकट करा देते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी आते हैं तो पृथ्वी में एक साल बीत गया होता है, तो ब्रह्मा जी वापस आते हैं ग्वालों को रख करके, जब देखने आते हैं कि अभी कृष्ण क्या कर रहा है, देखते और उनका सिर घूम जाता है,
अरे ये तो ग्वाले तो अभी मैंने उधर ब्रह्मलोक में रख के आए, तो ये कहाँ से आ गए इतने सारे ग्वाले? तो फिर बाद में उनको समझ में आता है कि नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। फिर वो समझते हैं कि अरे तो स्वयं भगवान विष्णु है। फिर जाके उनके चरणों में गिर करके इतना विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत स्तुतियां गाते हैं। फिर भगवान स्वयं अब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि ब्रह्माओं को बुलाते हैं। किसी ब्रह्मा के 8 सिर होते हैं, किसी ब्रह्मा के 10 सिर होते हैं, किसी ब्रह्मा के अनगिनत सिर होते हैं। इतने सिर होते हैं कि कोई व्यक्ति गिन भी नहीं सकता, इतने सिर होते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि अरे यार ये तो मैंने गलती कर दी। फिर ये दूसरा सीन इंद्र के साथ होता है। गोवर्धन नीलाम सब जानते हैं किस प्रकार से इंद्र को अहंकार आ जाता है ना। भगवान बड़े दयालु हैं एक्चुअली। वो अपने एक्चुअली भगवान के अंदर ईर्ष्या द्वेष, राग और द्वेष नाम की दो वस्तु है ही नहीं, है ना। जैसे भौतिक संसार में व्यक्ति जो होता है, संसार में हर एक व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष, किसी चीज से अटैचमेंट, किसी चीज से डिटैचमेंट, है ना। किसी चीज से हमें अटैचमेंट होता है और किसी चीज से द्वेष होता है। ये चीज मुझे नहीं पसंद है, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। लेकिन भगवान के अंदर ये डुअलिटीज नहीं है। इसके लिए भगवान राक्षसों पर भी उतनी कृपा करते हैं जितना अपने भक्तों पर। लेकिन भक्तों पर कृपा करने का उनका तरीका थोड़ा अलग होता है ना। उनको थोड़ा झापड़ लगा के फिर कृपा करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी को पर कृपा किया। उनका ईगो इतना भयंकर तरीके से बस्ट किया, हाँ, उनका ईगो इतना भयंकर तरीके से बस्ट किया कि उनको समझ में आ गया कि तो भगवान स्वयं है, मेरी को अहंकार हो गया था, इसके लिए मैं फंस गया। फिर दूसरा जो गोवर्धन लीला हो इंद्र के साथ, फिर इंद्र को भी गलती का पछतावा होता है कि नहीं, तो भगवान स्वयं है, मैंने गलती कर दी। अभी ये जो तो भक्त लोग थे भगवान के, अभी भक्त लोग होने पर भी भगवान को समझ नहीं पाए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि अगर ये बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते, तो ये क्षुद्र ब्रह्मांड के क्षुद्र जीव किस प्रकार से भगवान को समझ सकते हैं? कोई चांस ही नहीं है, है ना। अभी जैसे अभी हमने सुना है किस प्रकार से भगवान भक्तों लोग ही भगवान को नहीं समझ पाते। लेकिन जहां पर दूसरी तरफ देखा जाए, दूसरे क्राइटेरिया में देखा जाए, तो भगवान राक्षस थे जो उनको हानि करना आया था, जो उनको मारने के लिए आए थे, वैसे राक्षसों को भी उच्च स्थिति प्रदान कर देते। सबसे पहले उदाहरण, सबसे फेमस उदाहरण है पूतना का। आप लोग सब जानते हैं पूतना कितनी भयानक राक्षसी थी। उनको खेचरी करके बताया गया है दशम स्कंद में, कि वो बच्चों को मुंडी मोड़ के खून पी जाती थी, बच्चों लोग का, छोटे छोटे बच्चों का खून पी थी। उसको उसमें बड़ा मजा आता था और वो आकाश में विचरण करती थी, हवा में उड़ती थी और ऊपर से देखती थी जो छोटे छोटे बच्चे, उनका गला उड़ा के उसका खून पी जाती थी। इस प्रकार एकदम भयंकर राक्षसी थी। और एक किसके अंडर में कार्य करती थी? कंस के अंडर में कार्य करती थी। तो कंस ने कहा, जाके तुम जो कृष्ण है उसका जाकर उसका उसका वध कर दो जाके। तो पूतना बोलती ठीक है। भाई पूतना आती है, जब वो भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पे हलाहल विष लगाकर जब आ रही होती है, तो जब भगवान को अपने स्तन दूध पिलाती है वो, तो भगवान क्या करते हैं, दूध पीने पीने के साथ साथ उसके प्राण भी ले लेते हैं। लेकिन प्राण तो ले लेते हैं, लेकिन उसको किसका पद दे देते हैं? धात्री का। धात्री यानी दाई माँ जो होती है ना, वो भी एक माँ है, सात माओं में से एक दाई माँ होती है धात्री। उस धात्री माँ का गोलोक वृंदावन में पद दे देते हैं। अभी उसका कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था भगवान के पास आने का? उद्देश्य उनको मारने का था। अभी हम सोच सकते हैं अरे भगवान, अरे प्रभु जी, अभी तो ये तो चलो पूतना तो मारने के उद्देश्य से आई थी, हम तो भगवान को प्रार्थना करते कि हमको भक्ति में आगे बढ़ाओ, हमको ये करो, हमको वो करो, तो फिर भगवान हमको इतने जल्दी जल्दी क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं, हमको फिर तुरंत क्यों नहीं भगवत धाम ले जाते? ये प्रश्न उठ सकता है ना, ये प्रश्न स्वाभाविक भी है। अभी इस प्रश्न को हम आगे जाके चर्चा करेंगे ना, ये प्रश्न को यहाँ पे साइड में रख देते हैं। अब दूसरा उदाहरण है शिशुपाल का। अब शिशुपाल ने जब पैदा हुआ था, जब उसने तोतली भाषा बोलना शुरू किया था, वो तोतली भाषा बोलते समय से ही वो भगवान कृष्ण को गाली देता था, है? तोतली भाषा जब बोलते तब से भगवान को गाली दे रहा था। अभी उनकी जो माता थी वो बोलती थी कि बोली भगवान को कि इस पर दया करो, तो भगवान कहे कि हाँ मैं दया करूंगा, लेकिन एक क्राइटेरिया रहेगा, जब तक वो 100 गालियां देगा तब तक मैं उसको माफ कर दूंगा, जब उसका वो 100 गालियां क्रॉस कर देगा तब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो जिस प्रकार से हम जानते हैं जो बड़ी सी सभा लगी थी उसमें क्या करते हैं,
ब्रह्मा जी सॉरी शिशुपाल क्या करता है, जाकर के भगवान को खूब गालियां देता है, अरे तो ग्वाला है इसको, तो राजा इसको तो सीट मिलनी नहीं चाहिए, इसको इस सभा का प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहिए, ये तो ग्वाला है, ये चोरियां करता था, ये माखन चोर है, ये वो बहुत गालियां देता है भगवान को। तो भगवान सहन करते हैं सहन करते सहन करते हैं। जब 100 ही गालियां हो जाती है तो क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र से गर्दन उड़ा देते हैं। अब गर्दन तो उड़ा दिया लेकिन उस जो जो ज्योति थी भगवान के शरीर में, उनको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते। अब ये सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी व्यक्ति को गधे जैसा मेहनत करना पड़ता। किस प्रकार का मेहनत, ध्यान करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं हो पाता है ये सायुज्य मुक्ति। लेकिन ये सायुज्य मुक्ति भी है, जो मुक्ति के जो क्राइटेरिया है उसमें बहुत निम्न मुक्ति है, भगवान ने ऐसे एम ही प्रदान कर दिया, किसको, शिशुपाल। अभी इन लोग का क्या उद्देश्य था, भगवान को कैसे, कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने इनको इतना ऊंचा प्रदान कर दिया, स्थिति प्रदान कर दी ना। तो यही ये चीज कि व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता, भगवान की लीलाओं को व्यक्ति समझ नहीं सकता कि भगवान कब क्या करना चाहते हैं, भगवान कौन से व्यक्ति के साथ कैसे बिहेव करते हैं, साधारण मनुष्य अपनी इस बुद्धि से समझ नहीं सकता। इसके लिए भगवान का एक नाम भी है, असम ऊर्ध्व। हमें सुना होगा भगवान का नाम क्या है, असम ऊर्ध्व, यानी असम ऊर्ध्व, ना भगवान के कोई समान है, ना भगवान के कोई ऊर्ध्व यानी ऊपर है ना। इसके लिए भगवान को असम ऊर्ध्व कहा जाता है कि भगवान के ना कोई समान हो सकता है, ना उनके ऊर्ध्व हो सकता है, ऊपर हो सकता है। इसके लिए हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं, बहुत कठिन है। इसके लिए आज का जो श्लोक है उसमें भगवान क्या उपाय बताते हैं कि देखो नारद, अगर आप भगवान को समझना चाहते हो ना, तो आप क्या करो, उनकी शरणागत हो जाओ। दिस इज द सिंपलेस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, दिस इज द सिंपलेस्ट वे ब्रह्मा जी इज टेलिंग इन दिस वर्स, दैट यू कैन सिंपली सरेंडर टू कृष्णा एंड यू विल अंडरस्टैंड हु कृष्णा इज एक्चुअली, है ना। और वो भगवान अपने भक्तों को ही रिवील करते हैं, मैं कौन हूँ, वो भगवान अपने भक्तों को रिवील करते हैं, वास्तविकता में और किसी को रिवील नहीं करते भगवान, है ना। इसलिए हम शास्त्रों में देखेंगे कि सुदामा जैसे व्यक्ति जो एकदम दरिद्र ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान के सामने भगवान को, भगवान की अर्चना किया करते थे, भगवान उसे कितना प्रेम किए जब वो आए द्वारका में, है ना। अभी हम सब सुनने के बाद भी व्यक्ति भगवान को शरणागत क्यों नहीं हो पाता, हम सब जो जीवात्मा है संसार में जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि भगवान के शरणागत होना ही एकमात्र उपाय है इस संसार से बचना, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाते। तो भगवान गीता में, भगवत गीता के 7वें अध्याय में इसका उपाय बता, इसका इसका कारण बताते हैं। त्रिभिर गुणमयीर भावेर एभे सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति। क्या बोल रहे हैं, त्रिभिर गुणमयीर भावेर, इस संसार में अर्जुन मैंने 3 प्रकार के गुण बनाए हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ये 3 गुणों के कारण व्यक्ति मुझे समझ नहीं पाता है। मोहितं नाभिजानाति, वो मोहित हो जाता है, उसका सर घूमने लग जाता है कि भगवान ये कृष्ण जिसको लोग भगवान कहते हैं, क्या वो भगवान है, क्या वो व्यक्ति है। अभी हम कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था 28 तारीख को पिछले महीने पुष्प अभिषेक का प्रोग्राम, तो उस समय ब्रह्मचारी के पिताजी आए हुए थे, तो पिताजी कह रहे थे उनको कि ये जो कृष्ण है ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं, कृष्ण जो है प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और कृष्ण प्रकृति से ही बनते हैं, हम भी कृष्ण बन सकते हैं, तुम भी कृष्ण बन सकते हो। उसका बेटा ब्रह्मचारी है, इसको जयपुर में रहता है, लेकिन उनके पिताजी बड़े मायावादी, इसको मायावाद कहते हैं कि भगवान और हम एक हैं, भगवान प्रकृति से बने हुए हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृति का अध्यक्ष मैं हूँ प्रकृति का, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति से भगवान बने हुए, असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को देख करके भगवान कहते हैं मोहितम ना भी जाना, तो लोग मोहित हो जाएंगे 3 गुणों के कारण। फिर आगे कहते हैं, इसका उपाय भी बताते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते। अभी क्या कहते हैं कि अगर तुम इन मुझे समझना चाहते हो अर्जुन, ये देवी जो माया है इससे बचना चाहते हो, मामेव प्रपद्यन्ते, मेरे शरण में आ जाओ, माया मेतां तरन्तिते, मेरे शरण में आ जाओगे तो माया तुमको जोड़ देगी, है ना, मेरे शरण में आ जाओ। हर एक शास्त्र में जो कलयुग में हम इस संसार के जीवात्माओं को जो शास्त्र दिए गए हैं, उसमें
गिन चुन के तीन चार चीजों को रिपीटेडली बताया जाता है। क्या क्या है वो चीजें? सबसे पहले भगवान के नाम का शरण लेना, सबसे पहले दूसरा है भगवान की शरण ग्रहण करना, तीसरा है भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करना। इस प्रकार से तीन चार चीजें जो है रिपीटेडली शास्त्रों में बताया जाता है ना। इसके लिए हम सुनते हैं ना वो श्लोक है कि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रहने। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिमाग में छाप पड़ जाए कि हाँ अगर ये दो तीन चीजें हम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दो तीन जीवन में हमें भगवान के शरणागत होने की जो भावना हृदय में प्रकट हो जाएगी, है ना। ये बहुत लंबा प्रोसेस है एक्चुअली, एक जीवन का प्रोसेस नहीं है। अगर एक जीवन में प्रोसेस अगर एक जीवन में भी डालना है वो भी संभव है, उसके बारे में आगे थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, ये सस्पेंस है ना। तो उपनिषद में भी कहा गया है कि मंत्र चार में अनेजदे कम मनसो जवियो नयनाद देवादाप्निवं पूर्वमर्षद तद्धावतो अन्यनत्येति तिष्ठत तस्मिन् रपो मातरिश्वा ददाति नयनाद देवादाप्निवं पूर्वमर्षद। बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान तक पहुंच नहीं पाते। उस श्लोक का मतलब इस प्रकार का है, अगर वो मन की गति से अगर हजारों साल भी चले ना तब भी वह भगवान तक नहीं पहुंच सकते। अभी हम मन की गति के बारे में सोचें तो मान लीजिए हम बैठ के जब के समय यूजुअली बहुत सारे लोग हो जाता है कि जब करते करते हमारा मन कहीं कहीं चले जाते हैं, कभी कभी बिजनेस में चले गया, कभी कहीं घूमने चले गया, कभी प्रसाद में चले गया। तो हम सोच सकते कि मतलब माइनट सेकेंड में हमारा मन कहाँ से कहाँ चले जाता है। तो यहाँ पे कह रहे कि उस स्पीड में भी अगर हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भगवान इतने महान है, भगवान इतने दूर है हमसे, इतने दूर है, लेकिन यहाँ पे एक पिंच पॉइंट क्या है पता है? भगवान चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, भगवान चाहते हैं कि लोग मेरे शरणागत हो। इसके लिए वो उपाय बार बार बता रहे हैं, भगवत गीता में थियोरिटिकल वे में बताया और भागवत में प्रैक्टिकल वे में बताया। थियोरिटिकल वे में क्या बताया? देवी यश गुणमय मोह माया दुरताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि महाच्युत महाशुच। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं दूरेण ही अवरण कर्म बुद्धि योग धनंजय, कि दूरेण ही अवरण कर्म भौतिक कार्यकलापों से दूर रहो, मेरे शरणागत हो जाओ, बुद्धि योग का प्रयोग करो, भक्ति करो, तो संसार से बच जाओगे। हर एक अध्याय में भगवान थियोरिटिकल वे में भगवत गीता में जीवात्माओं को समझाए हैं कि आप मेरे शरणागत हो जाओ। अब प्रैक्टिकल वे में अपने भक्तों के उदाहरण से बताए हैं भागवतम में कि आप मेरे शरणागत कैसे हो सकते हो, है ना। कहाँ पे बताए हैं? श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में प्रैक्टिकल वे में बताए हैं कि हम कैसे भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तब आज हम श्रीमद् भागवतम में से कुछ ऐसे प्रसंगों को लेंगे, ऐसे व्यक्तित्व को लेंगे, ऐसे डिवोटीज को लेंगे जो भगवान के शरणागत हो गए हैं, पूर्ण रूप से शरणागत थे। ऐसे डिवोटीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और ऐसे भक्त के विषय में भी चर्चा करेंगे जो भगवान के पास एकदम भाव के स्तर तक पहुंचने पर भी उनका पतन हो जाता है। अब उनका पतन क्यों होता है वो भी चर्चा करेंगे कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फॉल डाउन ऑफ दोज डिवोटीज हु आर वेरी नियर टू कृष्ण। ऐसे लोग का भी पतन हो जाता है, क्यों होता है वो भी चर्चा करेंगे। तो दो क्राइटेरिया में इसको भी डिवाइड कर देंगे हम। श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं मुक्ति दधाति करिचित स्मरण भक्ति योग। भगवान क्या कहते हैं? मैं किसी व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ, जैसे शिशुपाल को मुक्ति प्रदान कर दी स्मरण भक्ति योग, लेकिन भक्ति जो है वो सबको प्रदान नहीं करता मैं, उसको बहुत सीक्रेटली भगवान अपने हृदय में रखते हैं भक्ति को, स्मरण भक्ति योग। मुक्ति ददाति करिचित, अभी मुक्ति ददाति करिचित का उदाहरण है पुरोरवा महाराज। आप लोग पढ़ेंगे 9वें स्कंद में महाराज पुरोरवा जो भगवान के बहुत महान भक्त थे, जिनका गुणगान स्वर्गलोक में जाकर के ब्रह्मा जी कर रहे थे, सॉरी ब्रह्मा जी नहीं नारद जी जाके गुणगान कर रहे थे कि ये पुरोरवा जो है बहुत सुंदर भक्त है, भगवान का बहुत महान भक्त, इस प्रकार से गुणगान कर रहे थे। अभी स्वर्गलोक में जो उर्वशी थी अप्सरा, उन्होंने इनके गुणगान को सुना तो थोड़ा उनका प्रति आकर्षण बढ़ा, तो आकर के उनसे उनके संग में आने के लिए उनका इच्छा प्रकट हुआ। लेकिन जब उर्वशी और पुरोरवा का संग हो जाता है तो पुरोरवा जो था उनका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है, पूरा घूम जाता है। जो महान भक्त थे भगवान के वही महान भोगी बन जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही करते हैं,
लेकिन उस उपासना के पीछे उद्देश्य क्या रहता है उनका, कि मुझे उर्वशी जहां रहती है उस लोक में जाके निवास करना है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, मुक्ति ददाति करिचित, मैं तुमको भक्ति तो नहीं दूंगा जो तुम्हारे भौतिक इच्छा पूर्ण कर दूंगा। इसलिए भगवान कहते ना अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगे न, कि अकामो सर्व कामो वा, अगर हम किसी कामना को लेकर भी भगवान के पास जाएंगे ना तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं ना, भगवान पूरा कर देते हैं। तो क्या किए, पूर्वा की इच्छा को पूरा कर दिया भगवान ने। क्या पूरा किया, कैसे पूरा किया, उनको कहाँ भेज दिया, उर्वशी के लोक में। लेकिन ये भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है, ये भगवान की जो मैंने बताया आपको मुक्ति ददाती करी चीती, भगवान का आधा पार्ट है, उस कृपा का आधा पार्ट है, स्मरण भक्ति होगा। अभी जो भक्ति है वो किसको प्रदान करते हैं फिर, जो व्यक्ति हजारों साल भगवान की उपासना करने के बाद अगर उर्वशी के लोक में जाना चाहता है उसको वो प्रदान कर देते हैं, तो भक्ति किसको प्रदान करते हैं, वो क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति के लिए, क्वालिफिकेशन क्या है उसके विषय में भागवतम में अलग अलग स्कंदों में अलग अलग प्रसंग आते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि चित्रकेतु महाराज के विषय में, आप लोग सब नाम सुनोगे, छठे स्कंद में इनका वर्णन आता है। चित्रकेतु महाराज जो थे वो बहुत बड़े क्या थे, भोगी थे। उन्होंने भगवान श्री भोग के मामले में भगवान श्री कृष्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कैसे, भगवान श्री कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, लेकिन चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ रानियां थी। बापरे, सुन के आश्चर्य लगता है ना कि राजा थे, इतना इतना ऑपुलेंट था वो, अपना इतना ऑपुलेंट था उनके पास, 1 करोड़ रानियां। लेकिन दुख क्या था, कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। उनको भय ये था कि आगे जो मेरी पीढ़ियां है वो कैसे चलेंगी, उनका भय था। इसलिए उन्होंने क्या, उनकी उनकी इतनी दयनीय स्थिति देख करके नारद जी को उनके ऊपर दया आया। अब नारद जी ने क्या किया, उनको भागवत कथा सुनाई, भागवत सुनाया उनको, उनको आधे उपदेश दिया। फिर जाकर के हम देखते हैं कि कितने बड़े भगवान के भक्त बन जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं ना। किस प्रकार से हम छठे स्कंद में वृत्तासुर का वृत्तांत सुनते हैं, तो वृत्तासुर बताते हैं कि मैं पहले चित्रकेतु महाराज था, राजा था, किस प्रकार से महान भक्त बन जाते, किसके संसर्ग में आने का कारण, नारद मुनि के। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम भगवान को कब समझ सकते हैं, जब हमारे ऊपर किसी शुद्ध भक्त की कृपा होगी, किसी शुद्ध भक्त की हमारे पर दृष्टि होगी, तभी हम जाकर के भगवान को शरणागत हो सकते हैं। नहीं तो भावना हृदय में प्रकट होगी ही नहीं, क्योंकि जन्मों अरबों मतलब वो जन्म काउंट नहीं कर सकते हैं कि हम भौतिक भोग वासना में फंसे हुए हैं। तो कुछ जन्मों छंद जन्मों में हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, प्रैक्टिकल भी नहीं और पॉसिबल भी नहीं। तो कब ये पॉसिबल होगा, जब हम किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में आकर के, किसी गुरु अपने गुरु के आदेश का पालन करके, हम इस संसार में रहकर भी भगवान के शरणागत हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण आपको बताता हूँ, चौथे स्कंद में एक राजा थे जिनका नाम था प्राचीन बरही। आपने आप लोगों ने किसी ने नाम सुना है प्राचीन बरही, एक राजा थे जिनका नाम था प्राचीन बरही। अब ये बहुत बड़े, ये भी चित्रकेतु महाराज जैसे बहुत बड़े भोगी थे। अब इनके 10 पुत्र थे जो बहुत फेमस है, जिनको प्रचेतास के नाम से जाना जाता है, वो लोग तपस्या करने गए हुए थे। तो इधर भी नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी को बड़ा दया आया कि अरे भूमि में भरा हुआ है, इसको चलो निकालो यहाँ से। तो नारद जी गए जाकर के मिले उनसे और उनको उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद वो प्राचीन भरी जो था अपने पुत्र के आने से पहले ही सारा राज्यभार जो है वो किनको किनको अपने मंत्रीगण को देख करके जंगल में चले गए। बस अभी भगवान की शरणागत होने का प्रयास करूंगा, मैं भक्ति करूंगा। तो किसके द्वारा संभव हुआ, किसी भक्त ने उनके जीवन में एंट्री की, किसी भक्त ने उनके ऊपर कृपा किया, इसके कारण उनके जीवन में भगवान की शरणागत होने की जो भावना हृदय में प्रकट हुई। अभी उनके पुत्र के विषय में सुने, प्रचेतागण पानी के अंदर 10,000 साल तपस्या कर रहे थे। फिर शिवजी बड़ा उनके ऊपर खुश हो जाते हैं। शिवजी आकर के कहते हैं कि आप लोग की साथ में रह करके एक मत के साथ भक्ति करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसके लिए मैं आपको हेल्प करता हूँ कि आप किस प्रकार से भगवान को प्राप्त करोगे। तो भगवान शिव जी वहां पर उन लोग 10 लोगों को दीक्षा देते हैं। रुद्रगीत के विषय में हम सुनते हैं ना, रुद्रगीत उनको बताते हैं कि ये इस प्रार्थना को चैंट करो, जप करो, तो आप लोग भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान विष्णु अपने अष्ट भुजाओं के साथ उनको दर्शन देते हैं, 8 भुजाओं के साथ उनको दर्शन देते हैं प्रचेताओं को।
अभी यहाँ पे श्रीमद भागवतम क्लास चल रहा है जयपुर में, वहां पे कोई प्रसंग चल रहा है, किस प्रकार से भगवान को दर्शन देते, क्यों? क्योंकि शिव जी जो महान वैष्णव है ना, यथाशंभु शिव जी उनके उनके जीवन में एंट्री करते हैं। अभी और दूसरे उदाहरण देखें, ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज के जीवन में भी नारद मुनि आ जाते हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन में भी नारद मुनि आ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हरेक भक्त के जीवन में जो भगवान की शरणागत हो चुका है, आप देखते हैं शुद्ध भक्त जो है बहुत अच्छा, बहुत तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं भगवान की, कई सालों से भगवान की भक्ति में, वो ऐसे ही नहीं टिके हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है, एक शुद्ध भक्तों की कृपा। कैसी कृपा? उनकी कृपामय दृष्टि होती है उनके ऊपर, है ना। फिर ऐसे दृष्टि से वो भक्ति में प्रगति करने की और भक्ति में आगे बढ़ने की, भगवान के प्रति शरणागत होने की भावना उसके हृदय में बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगती है और उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, फिर है ना। इस संसार में हर एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, हर एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहा है। जैसे कोई यहाँ पे बिजनेस लाइन में होगा तो इलॉन मस्क, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अमेरिका का, इलॉन मस्क करके, उसने अपने कम एज में अरबों खरबों रुपए कमा लिया। मैं उसके विषय में पढ़ रहा था तो उसके विषय में मैं पढ़ रहा था तो सुन रहा था, मैं समझ रहा था कि कितना मेहनत किया था उसने, कितना रिस्क लिया था उसने अपने अपने आप को उस पद पर, आज के दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में उसकी गिनती होती है, उस पद पर पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, है ना। और एक व्यक्ति जो स्विमर था, जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने, एक अकेले व्यक्ति ने 24 गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिए, जो भारत में सारे लोग मिलकर भी नहीं जीत पाए, 4-5 ही भारत के गोल्ड मेडल, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति था जिसने कितना 24 गोल्ड मेडल जीत लिया। अभी ये लोग अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कितना मेहनत करते हैं, ऐसे ही नहीं प्राप्त कर लेते। उसी प्रकार हम भक्ति जीवन में देखें तो ऐसे कई सारे भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है, 43 ईयर्स ही स्ट्रगल्ड, उन्होंने 43 साल संघर्ष किया अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। इसके लिए आज देखिए उनको सब जगह पूजा जा रहा है। तो मेहनत करना पड़ेगा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मेहनत करना ये अति आवश्यक है। मैं कई दिनों से ऐसा पढ़ रहा था तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा था कि ये लोग अपने भौतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करते हैं जो कि टेम्पररी है, ये शरीर छूटने से सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन भक्ति जीवन में हम भक्ति कर रहे हैं जो अपने लिए परमानेंट है, जो ये शरीर छूटने पर भी खत्म नहीं होगा, तो हमें कितना मेहनत करना चाहिए ना, कितना तीव्र गति से जप करने का प्रयास करना चाहिए, कितना तीव्र गति से श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए, भक्तों का संग प्राप्त करना चाहिए। तो ये सब करने से हमारे अंदर वो दृढ़ता अपने आप आ जाएगी। कहते हैं ना कि अगर हम भगवान के प्रति एक स्टेप बढ़ाएंगे तो भगवान 10 स्टेप हमारे प्रति बढ़ा देंगे। भगवान ये तो चाहते हैं कि जीवात्मा एक स्टेप तो बढ़ाए मेरे प्रति, दृढ़ता से एक स्टेप तो बढ़ाए तो मैं अपने 10 स्टेप आगे कर लूंगा। लेकिन भौतिक संसार में जो व्यक्ति जो इतने ऊंचे पद पे पहुंचा है, ये तो अलग बात है कि उनके कर्म वैसे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की है ना। अभी एक चीज हमें क्या डिसाइड की, एक चीज हमने क्या चर्चा की, ऐसे भक्त जिनके जीवन में भक्त लोग थे, इसके लिए उन्होंने भक्ति में प्रगति करके भगवान को प्राप्त कर लिया, है ना। अभी मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करूंगा जो भगवान की भक्ति में भाव स्तर तक पहुंच गए थे, किंतु वो भाव स्तर से भी उनका पतन हो जाता है। अभी क्यों पतन होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें के भक्तों के संग में रहते हुए भी हम ये सब सुन रहे हैं कि हमें भगवान के शरणागत होने के लिए भगवान के अपने गुरु महाराज के शरणागत होना पड़ेगा, अपने गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, प्रभुपाद जी के शरणागत होना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम के शरणागत होना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं कि हमें इन इस प्रोसेस में जो सरेंडरिंग का प्रोसेस है उसमें रोक देती है। कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं, मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगा, और पीपीटी में मैंने 5-6 पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान की शरणागत होने में ये बाधा है। उससे पहले ऐसा कौन व्यक्ति था जो ये गलतियां कर बैठा, भरत महाराज। भरत महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने कम एज में 24 साल की उम्र में अपनी घर को, अपने जो महल पर ब्रह्मांड को त्याग करके, पूरी पृथ्वी के राजा थे उसको त्याग दिया, अपने संतानों को त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, सब कुछ त्याग करके केवल मात्र 24 साल की उम्र में वो जंगल में आकर के, जो अभी पुला आश्रम है जो नेपाल में पड़ता है,
नेपाल में कुल्हा आश्रम में आकर के भगवान का भजन किया करते थे 24 साल की उम्र में, कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, केवल 24 साल की उम्र में वो सब छोड़ दिए थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इतनी कम उम्र में वैराग्य आने पर भी भरत महाराज का पतन हो जाता है? तो वो हम चर्चा करते हैं। मैं आप लोगों को एक शेयर कर रहा हूँ पीपीटी, आप देखिएगा। प्रभु जी कोई पढ़ सकता है क्या इसको? आप लोगों को मोबाइल में दिखाई पड़ रहा है सबको? दिख रहा है, आप ही पढ़ो। अच्छा, तो रीजन ऑफ हिज फॉल डाउन, तो जो भरत महाराज आप देख सकते हैं यहाँ पे, भरत महाराज को मरते समय किसका चिंतन हो रहा है? हिरण का चिंतन हो रहा है। अभी हिरण के चिंतन होने का कारण क्या है? ये 6 कारण प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इन 6 कारणों को बताते हैं। सबसे पहला क्या था? इनअटेंटिवनेस। वो जब हिरण को देखते हैं कि जो हिरण गर्भवती, हिरण के गर्भ से कोई छोटी सी हिरण जन्म ले जाती है, हाँ, नदी में डूब रही होती है, तो अपना भजन छोड़ करके वो भागते हैं उस हिरण को बचाने के लिए। उनके हृदय में दया प्रकट हो जाती है कि नहीं, इसको मुझे बचाना है, तो भागते हैं बचाने के लिए। और जो भागते हैं उसको बचाते लेते हैं, लेकिन उसको बचाने के बाद उसके पालन पोषण में, अपने भजन में वो इनअटेंटिव हो जाते हैं, यानी अपने भजन में ध्यान नहीं दे पाते। तो पहला कारण ये था। ये हमारे जीवन में बहुत होता है, ये ध्यान देना चाहिए सारे भक्तों को कि इनअटेंटिवनेस जो कमी है, जो भरत महाराज के जीवन से हमें सीखने मिलता है, वह हमारे जीवन में न लाए, है ना। हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये इनअटेंटिवनेस वो हमारे जीवन में न लाए, हमें इससे बचना है। दूसरा क्या है? नो एसोसिएशन। उनका कोई संघ नहीं था, भक्तों का संघ नहीं था उनके पास, है ना, कोई भक्तों का संघ नहीं था। वो अकेले रह के भजन किया कर रहे थे उस समय, है उनको एसोसिएशन था नहीं कि कोई उनको टोक दे, कह रहे भरत ये तुम गलत कर रहे हो कि हिरण के पीछे क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, वो हिरण तो अपने कर्मों के हिसाब से अपना भोगेगा, व्हाई यू आर गेटिंग इन्वॉल्व इन दैट इनसिग्निफिकेंट डियर। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भरत महाराज की गलती यह थी कि ही वॉज ओवरली अटैच्ड टू दैट इनसिग्निफिकेंट डियर। वो तुच्छ हिरण के प्रति जो जड़ भरत महाराज जी थे वो आसक्त हो गए, कोई मतलब नहीं था। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम ओवरली अटैच्ड है, है ना, ओवरली अटैच्ड है, उन चीजों को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया, क्या था वो चीजें? अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके विषय में भगवान चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के 4 जो पहले श्लोक हैं वो भक्तों को साधना के रूप में बताते हैं कि जो शुरुआत के 4 श्लोक है वो क्या है? साधना है। चेतो दर्पण मार्जनम, फिर नाम नामकारी बहुधा, न धनम ना जनम, तृणादपि सुने चेना। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तृणादपि सुने चेना, तृणादपि सुने चेना, तरो रव सहिष्णु अमानी ना मान देना। ये जो चीज है इसको हमारे जीवन में अप्लाई करने से हम फिर भक्ति में फटाफट प्रगति कर सकते हैं, है ना। ओवरली अटैचमेंट है उसको त्याग सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, मटेरियल अटैचमेंट्स। उनको भौतिक आसक्तियां थी हिरण के प्रति, है ना। फिर चौथा जो ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लेसेंट। एक शास्त्र में कहा जाता है, अति परिचय अवज्ञात संतत गमनात अनादर भवति। जब व्यक्ति किसी वस्तु से ज्यादा परिचय हो जाता है ना, तो उसकी अवज्ञा करने लग जाता है, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, हो जाए जेल में, है ना, जेल में जाकर के देखे जेल कैदी कैसे हैं, सब ठीक है कि नहीं। अगर कोई कैदी ये सोच ले कि अरे जेल लगता है प्राइम मिनिस्टर जो है उसने भी कुछ गलत काम किया हुआ, इसके लिए वो भी कैदी बन गया। क्यों ऐसा उसने सोचा? कि उसकी जो उसका जो परिचय है, उसका जो इंटीमेशन है नरेंद्र मोदी जी है जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ ज्यादा हो गया, तो लोग क्या करते हैं? अपमान करने लग जाते हैं। संतत गमनात अनादर भवति। इसलिए भक्ति में हमें देखना चाहिए कि हम कंप्लेसेंट तो नहीं बन रहे, हम ढीले ढाले तो नहीं बन रहे, एवरेज तो नहीं ले रहे। जैसे मुंबई की भाषा में कहते हैं ना कि हलवा है क्या, जैसे हलवा बनाना कितना आसान होता है, 5-10 मिनट में हलवा बन जाता है, तो क्या ये हलवा थोड़ी है कि भक्ति में हम जब सीधा 16 माला जप कर लेंगे तो हम भगवत प्राप्ति हो जाएगा, 4 नियम पालन कर लेंगे भगवत प्राप्ति हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। और इस पर भी कोई अगर व्यक्ति कंप्लेसेंट बन जाए, इस पर भी व्यक्ति कोई अगर ढीला ढाला बन जाए, ऐवें ही ले ले भक्ति को, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर उसको तो कई जीवन तक रुकना पड़ेगा। फिर पांचवा क्या है? पांचवा पॉइंट है, नो सुपीरियर गाइडेंस। उनके जीवन में कोई गुरुजन नहीं हमको ये बताने के लिए कि भरत ये हिरण को छोड़ दो, तुम्हारा काम भगवान की भजन भक्ति करना है, तुम हिरण के पीछे क्यों आसक्त हो रहे हो, ये बताने वाला उनके जीवन में कोई नहीं था।
ये उनकी पांचवी गलती थी। अभी छठी गलती क्या है? डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, सॉरी, डिस्ट्रैक्शन यानी हमारा किसी और चीज के प्रति अट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन मीन्स अल्टरनेटिव अट्रैक्शन, राधे श्याम को कहते हैं। डिस्ट्रैक्शन मीन्स अल्टरनेटिव अट्रैक्शन। हम लोग जिस किसी, अगर भगवान की भक्ति से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी दूर जा रहे हैं, हमारा मन भगवान की भक्ति में लग नहीं रहा है, सेवा करने का मन नहीं कर रहा है, जप करने का मन नहीं कर रहा है, भक्तों के संग में जाऊं उसका मन नहीं कर रहा है, मंदिर जाऊं उसका मन नहीं कर रहा है, मतलब ये समझना चाहिए कि हमारी जो आसक्तियां हैं अभी किसी किन्हीं और चीजों में भी लगी हुई है। ये कुछ चीजें हैं, ये छह चीजें जो हैं, ये रीजन था भरत महाराज जी के फॉल डाउन का। कुछ दिन पहले मैं इसके ऊपर क्लास दे रहा था, तो ये भरत महाराज जी के ऊपर ही मैंने क्लास दी, किसी को भक्ति वृक्ष का क्लास था, उसमें क्लास दे रहा था। तो देखिए प्रभुपाद जी अगले अगले इसमें क्या कहते हैं। तो वाइटल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय श्रील प्रभुपाद, अगर हम लोग को इस चीज से बचना है तो क्या क्या करना चाहिए? प्रभुपाद एकदम सिंपल सा फिलोसफी बता रहे हैं, सिंपल सा ये बता रहे हैं। राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, बाथ एंड अटेन मंगल आरती, वर्शिप द डेटीज, चैंट हरे कृष्णा, स्टडी वैदिक लिटरेचर्स। ये पांच चीजें करना, फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड ऑबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। क्या क्या बता रहे? देखिए, सबसे पहला तो सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, मंगल आरती करना, फिर भगवान की पूजा अर्चना करना, डेटी वर्शिप करना, महामंत्र का जप करना, हाँ, वैदिक शास्त्र भगवदगीता और श्रीमद भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ाई करना, फिर चार नियमों का पालन करना और अपने गुरुजनों, अपने गुरु महाराज के आगे का पालन करना। तो ये सात चीजें हैं, प्रभुपाद जी पर पर्सन बता रहे थे कि सात चीजों को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये गलतियां हम नहीं करेंगे। अगर इन गलतियों से हमें बचना है तो ये सात चीजें करेंगे तो हम नहीं गलतियों से बच जाएंगे, है ना। और यानी जी का कह रहे हैं, इफ वी डेविएट फ्रॉम दिस प्रोसेस वी मे फॉल डाउन इवन दो वी मे बी वेरी हाईली एडवांस्ड। प्रभुपाद जी का कह रहे हैं, अगर हम लोग इस प्रोसेस को छोड़ देंगे, अगर हम सोचेंगे कि नहीं मैं तो बहुत ऊंचे कोटि का भक्त बन गया, मुझे ये सब की जरूरत नहीं है, तो हम कभी भी हमारा पतन हो जाएगा जैसे भरत महाराज का हुआ, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लैक ऑफ जेन्युइन डिवोशन क्रिएट्स हिंड्रेंस इन द डिवोशनल सर्विस, है ना। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है भरत महाराज जी के चरित्र में, कि अगर हम जेन्युइनली भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो वो एक बाधा बन जाएगा किसमें? भगवत प्राप्ति करने में, है ना। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि भगवान के शरणागत होना ये सबसे सिंपल सा उपाय है कि जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाना, है ना। अगर हम सब अगर इस मनुष्य जीवन का अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमको भगवान के शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर जीवन पे जीवन, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, तो यही चलता रहेगा। फिर इस चीज को रोक पाना इस संसार के बद्ध जीवात्माओं के हाथ में नहीं है, है ना। तो आज के श्लोक में ये सुंदर सी चीज प्रभुपाद जी बताए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो एक प्रश्न ले सकते हैं कि 9:05 हो गए हैं पहले से, अगर प्रश्न नहीं है तो भी चलेगा।